हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा के राज्यपाल की, सबसे पहला राज्यपाल कौन था, सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा, सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहा, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी कि हरियाणा किसी भी राज्य के राज्यपाल का चुनाव कैसे होता है, कैसे उसको सिलेक्ट किया जाता है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है। जो राज्यपाल का नियुक्ति, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, केंद्र सरकार की सलाह पर। उसका कार्यकाल कितना होता है और राज्यपाल के पास क्या क्या शक्ति है, वो सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर दिया। अब फिर भी थोड़ा सा हम बेसिक कर लेते हैं कि राज्यपाल कौन होता है। राज्यपाल जो होता है वो किसी राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, जो कार्यपालिका का मुखिया होता है। वास्तविक मुखिया क्या कौन होता है, वास्तविक मुखिया होता है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। लेकिन क्वेश्चन आया कि संवैधानिक मुखिया कौन होता है, संवैधानिक मुखिया, तो संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल। राज्यपाल की उम्र कितनी होनी चाहिए, राज्यपाल के लिए एज होनी चाहिए 35 वर्ष, 35 वर्ष। और इसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, ये 35 वर्ष क्रॉस कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट लाभ के पद पर ना हो, ये सब, और किसी भी सांसद विधानमंडल का कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए, जो हम राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल बनते हैं। और संवैधानिक मुखिया कौन होता है, राज्यपाल होता है। और जो वास्तविक मुखिया होता है किसी भी राज्य का, वो होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है, राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और अगर आपको कंप्लीट राज्यपाल के बारे में किस अनुच्छेद में किस शक्ति का वर्णन किया गया है, कि अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है, 152 में, 153 में राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है कि राज्यों में राज्यपाल होंगे। ठीक है, और सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पता करने के लिए लास्ट वीडियो में जो हमने राज्यपाल के बारे में बताया गया है वो देखो। ठीक है, तो अब करते हैं हरियाणा के राज्यपाल। हरियाणा कब बना था, हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा का राज्यपाल बना दिया गया, 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा के पहले राज्यपाल बनाए गए, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की गई, वो थे श्री धर्मवीर को भारत हरियाणा का पहला राज्यपाल बनाया गया। क्वेश्चन में क्या आएगा कि हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था, तो श्री धर्मवीर, अगर ऑप्शन में हो तो आपका धर्मवीर थे, जो वो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। कब तक राज्यपाल रहे, ये रहे आपके 14 सितंबर 1967 तक, 1967, 1 नवंबर 1966 से लेकर 14 सितंबर 1967 तक हरियाणा के पहले राज्यपाल, कौन थे, श्री धर्मवीर। जो दूसरे राज्यपाल थे वो डेट कब से बना दिए गए, 15 सितंबर 1967, क्योंकि धर्मवीर को राज्यपाल के पद से हटा दिया गया, उसके बाद बना दिए वीरेंद्र नारायण
चक्रवर्ती जो बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे वो हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे। कब तक राज्यपाल ये रहेंगे? 26 मार्च 1976 तक। 26 मार्च 1976 से कब बने थे? 15 सितंबर 1967 को। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती से कि हरियाणा के सबसे लंबे समय तक कौन जब राज्यपाल रहे हैं? तो आप कह रहे हैं वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती सबसे लंबे समय तक राज्यपाल, हरियाणा के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और जो पहले राज्यपाल थे वो थे श्री धर्मवीर। तो सबसे कम समय तक कौन से रहे? सबसे कम समय के लिए ये थे हमारे 13वें राज्यपाल थे सबसे कम समय के लिए। ये इनका जो बनाई गई है 2 जुलाई 2004 को, 2 जुलाई 2004 को ओपी वर्मा ओम प्रकाश वर्मा जो ये थे 2004 में, जो 2 जुलाई 2004 में ओम प्रकाश वर्मा को बनाया गया, ये कौन से नंबर के थे? 13वें नंबर के थे। और ये कब तक रहे? 7 जुलाई 2004 तक। ये इसलिए लिखवाया मैंने क्योंकि इसके साथ ही मिल जाएगा आपको सबसे लंबे समय के राज्यपाल कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और सबसे कम समय के लिए राज्यपाल कौन थे? ओम प्रकाश वर्मा। ये थे सबसे कम समय के, सबसे कम समय के लिए राज्यपाल। ठीक है, क्वेश्चन में आए सबसे कम समय के लिए राज्यपाल कौन थे? ओम प्रकाश वर्मा। सबसे लंबे समय के लिए वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और सबसे पहले जो राज्यपाल थे वो थे श्री धर्मवीर। और आप देखते हैं हमारे जो 17वें राज्यपाल है, क्वेश्चन में क्या क्या इंपोर्टेंट करवा रहा हूँ अभी, जो जो मेन क्वेश्चन आपके राज्यपाल से उठते हैं हर एग्जाम में, तो वो देखो 17वें राज्यपाल। अब करंट में जो हमारे 17वें राज्यपाल है वो कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। क्वेश्चन क्या बनेगा कि हमारे जो वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आपके वर्तमान राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। तो जो हमारे सत्यदेव नारायण आर्य जो हमारे प्रेजेंट में राज्यपाल है वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये हमारे बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के सबसे जो करंट में है। अभी जो 16वें राज्यपाल थे वो कौन थे? कप्तान सिंह सोलंकी। जो कप्तान सिंह सोलंकी है वो हमारे 16वें राज्यपाल थे। अब तक के जो कितने राज्यपाल हमारे क्वेश्चन में लगे, आज तक हरियाणा में कितने राज्यपाल बने हैं? तो आज तक टोटल राज्यपाल बने हैं 17। और जो 16वें राज्यपाल कौन थे? कप्तान सिंह सोलंकी। और 17वें राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य जो हमारे करंट में है। ठीक है, सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और सबसे कम समय के लिए ओम प्रकाश नारायण। ठीक है, कप्तान सिंह सोलंकी को अब कहां का राज्यपाल बना दिया गया है? इसका ट्रांसफर करके इनको त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है।
त्रिपुरा का राज्यपाल बना दिया गया है कप्तान सिंह सोलंकी को। लेकिन जो हमारे करंट के राज्यपाल है ये हरियाणा के, ये बिहार में इनका जन्म स्थान है, बिहार के रहने वाले हैं। राज्यपाल के मेन क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं। और चलो हम अब स्टार्ट करते हैं हरियाणा के जो राज्यपाल है स्टेप बाय स्टेप, पहला राज्यपाल और किस किस राज्यपाल के समय में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा। जो पहले राज्यपाल थे हमारे वो थे श्री धर्मवीर सिंह, सभी को पता है। तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, सबको पता है कि सबसे लंबे समय तक हमारे हरियाणा के राज्यपाल कौन थे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अब क्वेश्चन ये होता है कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा। सबसे पहले ये राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कितनी बार लगा, तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा 3 बार। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय हरियाणा के राज्यपाल कौन थे, उस समय वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। कब से कब तक लगा, 20 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968 तक। 20 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968 तक हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन लगा। और उस समय इंडिया के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू किया। सारी की सारी पावर वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के पास रही, क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है कि सारा कार्यभार विधान पालिका का राज्यपाल के पास चला जाता है। ठीक है, कब से कब तक लगा पहला राष्ट्रपति शासन, 20 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक। तीसरे जो राज्यपाल थे रणजीत सिंह नरूला, आरएस नरूला, रणजीत सिंह नरूला। ठीक है, चौथे कौन थे, जय सुखलाल भाती। अब जो दूसरा राष्ट्रपति शासन हरियाणा में, जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय हरियाणा के राज्यपाल कौन थे, जय सुखलाल भाती। 1976 में बने थे, ये लगा 1977 में। 30 अप्रैल 1977 से लेकर 20 जून 1977 तक, 19 सितंबर 1977 तक ये जय सुखलाल हाथी जी हरियाणा के राज्यपाल रहे। जय सुखलाल हाथी, बीडी जंती दूसरे राष्ट्रपति शासन हरियाणा में, दूसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान पूरे इंडिया के राष्ट्रपति थे बीडी जंती। दूसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान हरियाणा में, तो उस समय कौन राष्ट्रपति थे, उस समय राष्ट्रपति थे बीडी जंती। पहले में कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा ये हो गया सुखलाल हाथी। कई बार क्वेश्चन में क्या जाता है कि इन चारों को पहले चार जो इनको क्रम वाइज लगाने का आ जाता है, जैसे इनको ऊपर नीचे देकर कह देंगे क्वेश्चन में इनको क्रम वाइज लगाओ। पहला कौन है, धर्मवीर। दूसरा वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तीसरा रणजीत सिंह नरूला। चौथा जय सुखलाल हाथी। ठीक है, अब हम जाते हैं जो तीसरा एमरजेंसी, तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा में, वो उस समय हरियाणा के राज्यपाल कौन थे, उस समय जो हरियाणा के राज्यपाल थे वो थे धनिक लाल मंडल। धनिक लाल मंडल हरियाणा के राज्यपाल थे। और कब से कब तक लगा तीसरा राष्ट्रपति शासन, 7 अप्रैल 1991 से 7 अप्रैल 1991 से 20 जून 1991 तक, 22 जून 1991 तक। 7 अप्रैल 1991 से 22 जून 1991 तक उस समय राज्यपाल कौन थे हरियाणा के, धनिक लाल मंडल। और हरियाणा के पूरे इंडिया के राष्ट्रपति कौन थे, आर वेंकटरमन। उस समय हरियाणा इंडिया के राष्ट्रपति कौन थे, आर वेंकटरमन। क्वेश्चन एक और आता है कि सबसे कम समय के लिए, जो आप लोगों को बता दिया है कि सबसे कम समय के लिए राज्यपाल कौन रहे हैं, ओम प्रकाश वर्मा। ओम प्रकाश वर्मा कब से कब तक, 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक। 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक सिर्फ 5 दिन के लिए रहे। कौन से थे ये, 13वें थे। ओम प्रकाश वर्मा थे जो, वो कौन से राज्यपाल थे,
13वें नंबर के राज्यपाल थे। अब आ जाता है कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है। वर्तमान में राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। कब बनाए गए इनको राज्यपाल? 25 अगस्त 2018 से अब तक राज्यपाल तो है सत्यदेव नारायण आर्य। कप्तान सिंह सोलंकी ये 16वें राज्यपाल थे। अब इनको त्रिपुरा का राज्यपाल बना दिया गया है। कब से कब तक ये? 27 जुलाई 2004 से 25 अगस्त 2018 तक। 25 अगस्त 2018 तक, ठीक है। जो वर्तमान में राज्यपाल है वो कौन से नंबर के राज्यपाल है? वो 17वें नंबर के राज्यपाल है। क्वेश्चन में कई बार आ जाता है जो हमारे वर्तमान में जो राज्यपाल है वो कौन से नंबर के राज्यपाल है? वो है आपके 17वें नंबर के राज्यपाल। और ये आपके राज्यपाल हुए, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन क्या बनता है कि विवादित राज्यपाल कौन है? हरियाणा के विवादित राज्यपाल वो हमारे जीडी तापसे गणपत देव जी तापसे। क्यों है ये विवादित राज्यपाल? क्योंकि इन्होंने जो भजन लाल थे मुख्यमंत्री, रात के समय मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई थी। तो रात के समय किस राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई थी? भजन लाल को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई थी, वो थे जीडी तपासे ने मुख्यमंत्री की शपथ रात के समय भजन लाल को दिलवाई थी। और क्वेश्चन क्या बनता है कि किस उस समय कौन राज्यपाल था? किस समय? जब देवी लाल जी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री ना बनके उप प्रधानमंत्री का पद चुना। इसे बोला जाता है, उन्हें किंग मेकर भी बोला जाता है, ठीक है। उस समय ये क्या स्थान था? हरि आनंद बराही 1988 से 1990 में चौधरी देवी लाल उप प्रधानमंत्री बने थे। इस समय उप प्रधानमंत्री बने थे चौधरी देवी लाल हरि आनंद बराही के राज्यपाल के टाइम पीरियड के दौरान, समय के दौरान हरि आनंद। और जीडी तपासे ने रात के समय भजन लाल को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई थी, ठीक है। ये हो गए आपके जो हरियाणा के राज्यपाल थे, सारे के सारे राज्यपाल हरियाणा के हो गए हैं। और अगर आप लोगों ने जो पुरानी वीडियो है राज्यपाल की वो नहीं देखी है तो वो जरूर देखना, क्योंकि उसमें सारी राज्यपाल की सारी पावर, क्या क्या पावर है होती है और क्या क्या पावर नहीं होती, क्या क्या वो मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते और राज्य सूची वालों को अपराधों को वो सजा कम कर सकते हैं, और जो राज्यपाल की किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है सारे के सारा डिस्कस किया गया है, वो राज्यपाल वाली वीडियो आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।